आई डोंट नो, आई आई डोंट थिंक आई हैव वर्ड्स फॉर इट, क्योंकि कई बार जो एक फीलिंग होती है बहुत ओवरवेलमिंग होती है, तो यू कांट रियली एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. सो आई थिंक इट्स दैट फीलिंग व्हेन यू टॉक अबाउट लव, यू नो इट्स द सेम फीलिंग व्हेन समबडी आस्क्स मी अबाउट लव. सो दैट्स हाउ आई एम फीलिंग बीइंग ऑन सेट आफ्टर ऑलमोस्ट 100 डेज एंड ड्रेस्ड अप लाइक प्रीता. इट्स अमेजिंग. It's a very contradicting feeling. You want to be on set and you want to be safe and the Hindi. Although hum sare safety measures le rahe hain, we are very cautious. Sab logon ne mask pehna hai, har cheez ko sanitize kar rahe hain, but like they say you can't be too careful. So bas wo ek halka sa dar hai dil mein. Baki apni taraf se jitna bhi hum safety measures le sakte hain wo le rahe hain. And it's strange, you know, because I saw my co-actor, I saw Dheeraj after 100, more than 100 days. I want to just go and like pull his cheeks and hug him. And we are like, we're both acting like something stopping us. Peeche se t-shirt nahi pakad lete hain. So we were like hawa mein ek dusre ko high five and all de rahe hain, because obviously we got to maintain social distancing. So it's a little strange, but well, that's the new normal they say. So I hope but it all gets better and we can hug our loved ones really tightly very soon. I don't know. I jo bhi main kar rahi hu mujhe lag raha hai it's not enough. I need to be more careful. But see, although I am working and my work needs me to be on the set, lekin aap logo ko main yehi kahungi ki agar aapko bahar kuch kaam nahi hai to aap ghar pe baithe. It's too dangerous. कुकिंग अ लिटिल बिट, लेकिन मेरी मम्मी ये हॉबी नहीं मानती है. वो कहती है कुकिंग कोई हॉबी नहीं होती, कुकिंग तो सर्वाइवल नीड्स होती है. तो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो राइट. मैंने इस लॉकडाउन में खाना बनाना सीख लिया है ना, बिकॉज माई मॉम सेज सो. आई कांट रियली कॉल इट अ हॉबी. आई ऑल्सो थिंक सो एक्चुअली वेरी लर्निंग. घर से शूट करने से मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल गया कि कौन सी लाइट अच्छी लगती है, कौन सा कैसा फ्रेम होना चाहिए. यू नो फ्रेम सेट करते हुए कई बार लगता था कि कुछ भी रख दो ना, हाउ डज इट मैटर, बट इट रियली मैटर्स व्हेन यू लुक फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा. और पर बहुत एग्जॉस्टिंग था. तो सब शूट करने के बाद मैंने यही रियलाइज़ किया कि जो तुम्हारा काम नहीं है तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है. सबको पता ही है कि कुंडली भाग्य में करण की शादी होने वाली है माहिरा से, और माहिरा उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है. माहिरा ने अपने मुंह से प्रीता को सारी सच्चाई बता दी है, और नाउ अब प्रीता कश्मकश में है कि वो कैसे करण और लूथरा फैमिली को ये माहिरा नाम की प्रॉब्लम से बचाए. सो अब जो आगे के एपिसोड्स आने हैं उसमें दिखाएंगे कि मेरा क्या टेक है. अभी तक तो प्रीता पे जो हो रहा था, अब प्रीता क्या करने वाली है वो देखिए. कोएक्टर्स को कितना मिस किया, और सबसे ज़्यादा किसको क्यों मिस किया? सभी को मिस किया. वी हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन कुंडली भाग्य. मतलब ये शो सिर्फ देखने वाले ही मज़ा नहीं करता है, हम शूट करते हुए भी बहुत मज़ा करते हैं. और सारे कोएक्टर्स एक फैमिली. 3 साल होने वाले शो को, जस्ट फ्यू मोर डेज लेफ्ट. 12 जुलाई को शो रिलीज हुआ था और 12 जुलाई आने वाली है. तो 3 साल आप समझ रहे हो, 3 साल में मतलब इतनी बॉन्डिंग हो जाती है. तो उन लोगों से 100 से ऊपर दिन तक 3 महीने से मिले नहीं, तो इट वाज अ लिटिल वियर्ड. मिस देम, बट हमने बहुत जूम कॉल्स किया. जूम बोल सकते कि नहीं, हमने बहुत सारे वीडियो कॉल्स करे और एक दूसरे से टच में रहे. अंजुम को मैंने बहुत मिस किया, सलामा को बहुत मिस किया, सुप्रिया माँ, बट हम हमेशा एक दूसरे से टच में रहे. धीरज को भी मैं लिखती रहती थी. सो बट आई एम एक्साइटेड कि अब हम वापस से वही सब शुरू करेंगे. बट आई डोंट नो कैसा होगा न्यू नॉर्मल में, हम एक दूसरे के खाने में हाथ डाल पाएंगे कि नहीं. आई ऑलवेज हैड मॉम कुक्ड मील्स, होम कुक्ड मील्स, मम्मी के हाथ का खाना. एंड दैट्स व्हाट आई ब्रॉट टुडे आल्सो, दैट्स व्हाट आई ईट. इस वक्त मैं जिंदा रहने के लिए घर पे रह रही हूँ. लेकिन आज मुझे बाहर निकलना पड़ा. आई थिंक फिटनेस इज़ वेरी गुड. योर फर्स्ट ऑफ ऑल योर अटेंशन एंड योर प्रायोरिटी शुड बी स्टेइंग एट होम एंड
कीपिंग फ्रॉम नॉट गोइंग आउट. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बाहर काम नहीं है तो मत जाओ, काम है तो बहुत प्रिकॉशंस लो. और अगर आप घर पे बैठ के खुश है एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर फिटनेस, देन आई थिंक स्टार्ट विद ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर. यू नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर और ड्यूरिंग दीज टाइम्स इफ यू कैन वार्म द वाटर एंड ड्रिंक इट देन इवन बेटर. Yes, I'm very excited that, you know, finally Kundali ke naye episodes. My mom, dad are also waiting to watch Kundali Bhagya. It's their favorite show too, not just the whole of India. I am very excited. Of course, it's not even a question. Bahut sabko miss kiya, kaam ko bahut miss kiya. Outfits, itne elaborated outfits, pehna, makeup, hair. एक एक्टर बहुत अटैच्ड होता है ये सब चीज़ों से. इट्स दिस इज़ व्हाट ब्रिंग्स अस टू लाइफ. तो आई एम फीलिंग अलाइव दैट आई एम बैक ऑन सेट.